हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्नेहल्स कुकरी चैनल। मैं हूँ स्नेहल। आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो बहुत हेल्दी रेसिपी है। आज हम बना रहे हैं अलिव के लाडू। अलिव जो है इसे हलीम सीड्स कहते हैं, इसे गार्डन क्रेज सीड कहते हैं। ये एक मेमोरी बूस्टर सीड्स है और लैक्टेटिंग मदर के लिए ये बहुत ही अच्छे होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। सो लेट्स बिगिन। ये अलिव सीड्स कुछ इस प्रकार के होते हैं, ये आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून अलिव सीड्स ले रही हूँ। इसे हमें पानी में 2 घंटे के लिए भिगो देना है। यहाँ पे हम ले रहे हैं 2 बड़े चम्मच अलिव के सीड्स, 1 पूरा गीला नारियल, कुछ बादाम और ½ कप गुड़। तो पहले एक पैन में हम ये गीला नारियल डाल देंगे। यहाँ पे मैं ऐसे बटर या फिर घी नहीं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि नारियल में इसका नेचुरल ऑयल होता है। जैसे ही नारियल पक जाएगा, इसका नेचुरल जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे बटर घी की ज़रूरत हमें नहीं है। अब हम डाल देंगे ये फूले हुए अलिव के सीड्स। लास्ट में हमें डालना है ½ कप गुड़। यहाँ पे मैं ½ कप गुड़ यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो ज़्यादा गुड़ यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो। ये गुड़ जो है वो अच्छी तरह से पिघल गया है। अब इसे हमें बार बार चलाते रहना है ताकि ये पैन में नीचे चिपक ना जाए। ये अलिव सीड्स जो है वो बहुत हेल्दी है। ये मेमोरी बूस्टर सीड्स है, तो बच्चों के लिए ये बहुत यूज़फुल है। और जो लैक्टेटिंग मदर है उन्हें ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये अलिव सीड्स बहुत ही यूज़फुल है। अब हम इसे पूरी तरह से सूखने देंगे। इसे बार बार चलाते रहना है। अब बादाम जो है इसकी मैंने पाउडर बना के ली है। अब ये बादाम की पाउडर हम डाल देंगे। आप चाहे तो आपके पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। अब करेंगे इसे मिक्स। अब ये पूरी तरह से सूख गया है। हम इसके अब बनाएंगे लड्डू। इसको शेप देंगे। ये अलिव के लाडू जो है वो बनके तैयार है। इसे आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और आपके अनुभव मेरे चैनल पे ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सी यू सून विद न्यू रेसिपी। टिल टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय।